अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन यखनी पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, साथ में हमें चाहिए आधा जग पानी का, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, थोड़ा सा सूखा धनिया, साथ में हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक, 4 से 5 जवे लहसुन के, थोड़ी सी बड़ी इलायची और काली मिर्च चाहिए। और अब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो के करीब चिकन, जो कि मैंने देची में डाल दी है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, साथ में 5 जवे लहसुन के। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दालचीनी, और अब ये मैं साबुत सूखा धनिया इसमें डाल के, तो इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी और नमक। इसको 20 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि इसकी यखनी निकल जाए। ठीक है, तो आए इसको हम पका लेते हैं। तो अब हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी हुई है, ये देखिए। अब चावलों को तड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चावल भिगो के रख दिए हुए थे 10 मिनट से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम कटी हुई प्याज ले ली है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया है, और 5 से 6 टुकड़े मैंने साबुत काली मिर्च, लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। ज़्यादा इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया था। 2 टीस्पून के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें इस तरह काट ली हैं, और 1 कप के करीब मैंने घी लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़रदा रंग मिक्स कर लिया है चावलों को कलर देने के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, और इसमें 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। आपने अपने चावलों को 1.5 इंच तक पानी में भिगो के पकाना है।